एंड्रॉइड 14 बीटा अपडेट का इनिशियल रोल आउट करने के बाद एक नया एंड्रॉइड 14 का बीटा 1.1 अपडेट हमें अब गूगल के पिक्सेल स्मार्टफोन्स में देखने को मिल गया है और यहाँ पर ढेर सारी इम्प्रूवमेंट्स हमें इस माइनर अपडेट के साथ होती हुई अपने पिक्सेल स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती हैं। एक एक करके मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये जो नया अपडेट आज के रात हमें देखने को मिला है इसमें क्या क्या नए चीज़ें हमें देखने को मिल जाते हैं और आखिरकार जो बग्स हैं वो हमें कौन कौन से यहाँ पर ठीक होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिस्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लंबी लिस्ट तो ये नहीं है, सिर्फ 5 ही बग्स को गूगल ने अपने एंड्रॉइड 14 के साथ फिक्स किया है, लेकिन जो बग्स आपको इनिशियल एंड्रॉइड 14 के साथ देखने को मिल रहे थे वो मेनली यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। अब ये जो अपडेट है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो सिर्फ 7 MB का ये अपडेट आपको अपने गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। मेरे पास है पिक्सल 6a और इसमें जो ये अपडेट है 7 MB का अपडेट आया हुआ है। अगर आपके पास और हैं जैसे कि 6, 7, 7 Pro तो उनमें हो सकता है कि जो साइज़ है उसका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम UI क्रैशिंग का इशू था वो यहाँ पर फेस किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन में जाते हो या कोई भी वॉलपेपर आप सेलेक्ट करने जाते हो, सेट करने जाते हो, तो वहाँ से स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्रैश होके होम पे पहुँच जाती थी। तो वो इशू अब यहाँ पर गूगल ने अपने पिक्सल डिवाइसेस के लिए फिक्स डेफिनेटली किया हुआ है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे थे। तो फाइनली जो वॉलपेपर वाला क्रैशिंग वाला इशू था वो अब इस अपडेट के साथ हमें यहाँ पर फिक्स होता हुआ देखने को मिल गया है। सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जो इशू था वो भी अब इस अपडेट के साथ हमें यहाँ पर फिक्स होता हुआ देखने को मिला है। जैसे कि जब भी आप फिंगरप्रिंट अनलॉक करने जाते थे अपने स्मार्टफोन को तो वहाँ पर वो अनलॉक नहीं होता था या कुछ एरर शो करता था या बहुत ज़्यादा टाइम आपका स्मार्टफोन अनलॉक होने में लगाता था। तो वो जो इशू हमें एंड्रॉइड 14 के साथ देखने को मिला था उस इशू को डेफिनेटली यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो जो मोबाइल नेटवर्क है वो कई बार हमें ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में शो नहीं होता था या जहाँ पर ऊपर हमें मोबाइल नेटवर्क शो होता है वहाँ पर शो नहीं होता था। तो ये इशू मुझे भी अपने पिक्सेल स्मार्टफोन में बीटा अपडेट के साथ देखने को मिला, लेकिन अब जो अपडेट ये बीटा 1.1 आज की रात रोल आउट किया गया है इस अपडेट के साथ ये जो इशू है वो फिक्स कर दिया गया है। इसके साथ ही चौथे इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ते हो तो फिक्स्ड एन इशू दैट प्रिवेंटेड अ सिम कार्ड और ई सिम फॉर बीइंग डिटेक्टेड। यानी कि ऐसा इशू भी हमें देखने को मिल रहा था कि आपके पास जो ई सिम है या जो फिजिकल सिम आपने डाली हुई है कई बार वो आपका स्मार्टफोन डिटेक्ट ही नहीं करता था, वो आपको नो सिम कार्ड ही शो करता था। लेकिन अब ये जो इशू है जो कि हमें कुछ कुछ ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिला था तो वो इशू अब यहाँ पर हमें फिक्स होता हुआ देखने को मिला है। और इसके बाद लास्ट जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, जहाँ पर ये बता रहा था कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में स्मार्ट लॉक का यूज़ करते थे तो वहाँ पर हमें एक अनरिजॉल्व्ड स्ट्रिंग प्लेस होल्डर देखने को मिल जाता था। यानी कि जब भी आपके स्मार्टफोन में स्मार्ट लॉक इनेबल होता था तो वहाँ पर लॉक स्क्रीन पे आपको एक नोटिफिकेशन शो होती थी जिसे हम बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड स्ट्रिंग प्लेस होल्डर। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का इशू है और मुझे भी ये इशू देखने को नहीं मिला अपने स्मार्टफोन में। हो सकता है कुछ स्मार्टफोन में ये इशू था, लेकिन इस तरह का अगर स्मार्ट लॉक से रिलेटेड लॉक स्क्रीन पे आपको कोई एरर शो करता था तो वो अब इस अपडेट के साथ हमें डेफिनेटली फिक्स होता हुआ देखने को मिला है। अब ये जो अपडेट है अप्रैल 2023 के ही सिक्योरिटी पैच के साथ आता है, बिकॉज 1.1 ये अपडेट है और जो बीटा सेकंड अपडेट है वो हमें नेक्स्ट मंथ यानी कि मई मिड तक देखने को मिल जाएगा और उसके साथ डेफिनेटली मई का जो सिक्योरिटी पैच है वो भी हमें अपने गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा। तो अब जो अपडेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स गूगल की तरफ से हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अगर अभी भी आप देखते हो तो इस अपडेट के साथ कोई नया फीचर हमें पिक्सल स्मार्टफोन में ऐड होता हुआ देखने को नहीं मिला है या आप कहो कि कोई मेजर विजुअल चेंज क्योंकि हम देखें और लगे कि एंड्रॉइड 13 से ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो उस तरह की चीज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, जो बग्स थे उनको इस बीटा 1.1 अपडेट के साथ डेफिनेटली फिक्स किया गया है। सो गाइस, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस अपडेट के साथ नीचे ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं और जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगी उनके लिए आप जरूर वेट कीजिएगा। मैं आपको बताता रहूँगा जो एंड्रॉइड 14 के अपडेट हैं, जो एंड्रॉइड के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी आप चैनल को जरूर कीजिएगा।